राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत ने अक्षय कुमार के पोस्टर पर काले पोती पुतला फूंका। रिलीज से पहले फिल्म OMG2 का कड़ा विरोध किया। साध्वी ऋतंभरा ने भी नाराजगी जताई। अभिनेता अक्षय कुमार की और 2 का पहले ही फिल्म का विरोध शुरू हो गया है। फिल्म के कुछ दृश्यों पर हिंदू संगठनों की ओर से आपत्ति जताई गई है। हिंदू भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाते हुए इन दृश्यों को हटाने की मांग की गई है। राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत ने गुरुवार को यहां फूल सैयद चौराहे पर फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन किया। अक्षय कुमार के पोस्टर पर काले पोती और उनका पुतला फूंका। पदाधिकारियों की ओर से ऐलान किया गया है कि जो भी व्यक्ति अक्षय कुमार के मुंह पर थप्पड़ मारे गए उनके चेहरे पर थूकेगा उसको 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस सिनेमाघर में फिल्म रिलीज होगी उसमें भी तीखे विरोध से पीछे नहीं हटेंगे। राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष गोविंद पाराशर ने बताया कि फिल्म OMG2 में अक्षय कुमार भगवान शिव के दूत का रोल निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसमें अक्षय ने भगवान शिव के रूप में कई ऐसे काम किए हैं जो भोलेनाथ की छवि को खराब करते हैं। भगवान शिव के रूप में अक्षय कुमार दुकान से कचौड़ी खरीदते हैं, गंदे तालाब के पानी में नहाते दिख रहे हैं। इस तरह के दृश्य देखकर हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने सेंसर बोर्ड और केंद्र सरकार से फिल्म पर बैन लगाने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर फिल्म पर बैन नहीं लगता तो हिंदू परिषद इसके विरोध में आंदोलन तेज करेगी। संगठन के अध्यक्ष ने ऐलान किया कि अगर फिल्म रिलीज होती है तो सिनेमा हॉल में जाकर इसका विरोध करेंगे। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे।